Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9, Science, Chapter 2, Is Matter Around Us Pure? Episode 1. Today we will discuss about Is Matter Around Us Pure? Okay? सबसे पहले तो देखो ये चैप्टर के नाम से जैसे हमें पता चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका मतलब क्या हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है, यानी कि वो प्योर फॉर्म में है। अभी आपसे अगर इस प्योर शब्द के बारे में मैं पूछूं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पे सपोज एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मिल्क रखा हुआ है, अभी मैं आपसे पूछूं क्या ये मिल्क प्योर है, तो आप बोलोगे कि अगर इसमें वाटर नहीं मिलाया गया है एक्स्ट्रा तो ये मिल्क प्योर है, अदरवाइज अगर एक्स्ट्रा कुछ हमने वाटर मिलाया हुआ है तो फिर ये प्योर नहीं है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। साइंस की लैंग्वेज में क्या होगा कि अगर इस मिल्क में वाटर नहीं मिलाया गया है तब भी इसको साइंस में हम प्योर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में होता है प्योर शब्द जब ये यूज होता है साइंस में, तो इसका मतलब होता है कि उस मैटर में कोई भी दूसरे अदर पार्टिकल्स नहीं होंगे, यानी जो भी मैटर हमारे पास रखा हुआ है इसमें कोई भी दूसरे अदर पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, तब इसको हम कहेंगे प्योर। जैसे ये मिल्क रखा हुआ है तो मिल्क में आपको पता है वाटर होता है, आप कितना भी प्योर मिल्क ले आओगे आप उसको जब आप बॉइल करोगे तो आप देखोगे उससे वाटर वेपर निकलता है, यानी उसमें वाटर की प्रेजेंस होती है, उसमें फैट होता है, ठीक है, इसमें विटामिंस होते हैं। तो यानी इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इनमें और भी ऐसी एक्सेट्रा इनमें ऐसी चीजें होती है, यानी हम ये कह सकते हैं मिल्क जो है इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है, यानी इन सभी चीजों के पार्टिकल्स मिल्क के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं कि मिल्क एक प्योर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे प्योर शब्द जो है इस चैप्टर में जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब जिस चीज के लिए हम प्योर यूज कर रहे हैं वो सिर्फ वही चीज होगी। ठीक है, जैसे हम ये बात शुगर के लिए कह सकते हैं, अगर हमारे पास शुगर हो तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि शुगर जो है प्योर है। क्यों? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स में केवल शुगर ही होती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे जिस चीज की हम बात करेंगे उसकी अगर पार्टिकल्स में सिर्फ वही है तब फिर हम उसको बोलेंगे प्योर, अदरवाइज उसके साथ और कुछ मिला हुआ है तो फिर हम उसको प्योर नहीं बोलेंगे। ठीक है, यानी स्टूडेंट फाइनली वी कैन से अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मैटर, यानी कोई भी प्योर सब्सटेंस में केवल एक ही टाइप का मैटर होगा। ठीक है, तो ऐसी सब्सटेंस जिसमें एक टाइप के मैटर नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यानी जिसमें अलग अलग कई सारे मैटर्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब हम जानेंगे मिक्सचर क्या होता है। स्टूडेंट्स नाउ अवर नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज अ मिक्सचर, यानी मिक्सचर क्या होता है। तो इसको हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, यानी कोई ऐसा जो कि अपने आप में एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को रखता हो उस चीज को हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, अगर उसमें सिर्फ एक ही चीज के पार्टिकल्स हैं तो हम उसको मिक्सचर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्योर है वो। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मैटर है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अलग अलग चीजों के तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी कितने टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं। तो बेसिकली मिक्सचर को हमने टू टाइप्स में बांटा है। नंबर वन कौन सा है, नंबर वन है होमोजेनस मिक्सचर और नंबर टू है हेटरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर कौन से होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मिक्सचर जो आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी एक दूसरे में इस तरह मिल जाते हैं कि उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते, यानी उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, यानी उनके पार्टिकल्स जो है ना वो पूरे के पूरे मिक्सचर में प्रॉपरली इवन रूप से डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर को जब आप मिला दोगे तो आप देखोगे उसके बाद आप पूरे के पूरे वाटर में सॉल्ट हर जगह पे सेम मात्रा में होता है, यानी ऐसा नहीं कि आप ऊपर की लेयर में सॉल्ट जाता है नीचे की लेयर में सॉल्ट कम है, तो ये नहीं होगा, आपको हर जगह पे बराबर मात्रा में सॉल्ट मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिल नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हेटरोजेनस मिक्सचर। जैसे इसके एग्जांपल में हम कह सकते हैं जैसे ऑयल एंड वाटर, जब आप ऑयल एंड वाटर को मिलाओगे तो आप देखोगे ऑयल जो है वाटर की ऊपरी लेयर में ही रहता है, नीचे की लेयर में ऑयल नहीं जाएगा, यानी आप कितना भी उसको कोशिश कर लो अच्छे से मिक्सअप करने की, ऑयल हमेशा ऊपर की लेयर में रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। तो ये वजह है कि ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटरोजेनस मिक्सचर। हेटरोजेनस मिक्सचर में हम दोनों ही मिक्सचर के सब्सटेंस को अलग अलग देख सकते हैं, या सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं
कि इनके मिक्सचर में पूरे के पूरे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं, इनका पूरे पार्टिकल्स में इवन रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी ये अलग अलग रहते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस एपिसोड ओनली दिस मच, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।